चैप्टर 9 जो है हमारा अध्याय 9, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्लावन बल। उससे पहले हम इसको जान लेते हैं, आपने 8th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, इस स्केल बनी है, इसमें यहाँ पर लिखा है ग्राम, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है न्यूटन, मतलब उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है उसके भार के कारण, ये हम इस स्प्रिंग बैलेंस से निकाल सकते हैं। तो मैंने ये वेट लिया है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इस हुक में लगाऊंगी, तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, 10 न्यूटन से भी ज्यादा का बल लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अगर हम इस वेट को, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ ये जो स्केल है वो यहाँ आ रही है ना, इसका एरो, अभी अगर मैं इसको पानी में डालूं तो आप देखिएगा क्या चेंज आ रहा है, कितना चेंज आया, ये 8 पर था, 10 पर था, अभी कितने पे आ गया है, 9 से थोड़ा ऊपर है ना, मतलब अब इसके ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अभी ये जो ऑब्जेक्ट एयर में है तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, पर जब हम इसको पानी में डालते हैं इस तरीके से तो क्या हो रहेगा कि ये जो पानी है वो इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, जो कि किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से विपरीत दिशा में लग रहा है, जिसकी वजह से ये वस्तु जो है हमें पानी में थोड़ी हल्की लगेगी, है ना। प्लेट है वो हम पानी में डालेंगे और ये प्लेट जो है वो डूबेगी नहीं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे डालूं कि ऐसे डालूं, ऐसे डालूं, अच्छा ठीक है, सीधे कर, तो जब हम ये सीधा करके डाल रहे हैं तो ये प्लेट डूब क्यों नहीं रही है, देखो ये जब प्लेट हम सीधा इस तरीके से डाल रहे हैं तो हमको पता है कि जो पानी होता है या लिक्विड होता है वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अब जब ये पानी इसमें ऊपर की तरफ बल लगा रहा है और हमने प्लेट को इस तरीके से डाला, तो इसका जो एरिया है वो कैसा है, ज्यादा है, ज्यादा एरिया होने के कारण क्या हो रहा, बल जो है ज्यादा एरिया पे लग रहा है, इसलिए ये प्लेट जो है वो डूब नहीं रही। पर अगर हम इस प्लेट को इस तरीके से डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा, बल तो अभी भी लग रहा है, जो पानी है वो अभी भी बल लगा रहा है, पर अब क्या हो रहा, एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से ये जो प्लेट है वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है।